हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा रांची के एल्बर्ट एक्का चौक। आज आदिवासी जन परिषद झारखंड प्रदेश दलित संघर्ष समिति और आदिवासी लोहरा समाज द्वारा मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्री का पुतला दहन एल्बर्ट एक्का चौक पर किया गया। पुतला दहन का कारण जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब बाहरी भाषा भोजपुरी, मगही, मैथिली को यहाँ कानूनी मान्यता दे रहे हैं तो बिहार में इसकी मान्यता नहीं है। मैं मांग करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री से झारखंड को जल्दी से बचाएं और कैबिनेट की बैठक करके जो बाहरी भाषा लागू कर रहे हैं उसको रद्द करें। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। आज हम लोग मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्री का पुतला दहन हम लोग किए एल्बर्ट एक्का चौक में। और पुतला दहन इसलिए किए कि बाहरी भाषा भोजपुरी, मगही, मैथिली को यहाँ कानूनन मान्यता दे रहा है, बिहार में इसकी मान्यता नहीं है। मैं इसलिए मांग करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से कि झारखंड को जलने से बचाएं और कैबिनेट का बैठक करके जो आपने लागू कर रहा बाहरी भाषा का उसको रद्द करें और जनजातीय भाषा सहित नौ क्षेत्रीय भाषा को लागू करें, क्योंकि झारखंड हमारी विरासत है, हमारी भाषा है। मैं बाहरी भाषा का विरोध नहीं करता हूं। आप भोजपुरी बोलिए, मैथिल बोलिए, फ्रेंच बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, लेकिन उसको कानूनन मान्यता दे दीजिएगा तो आदिवासी मूलवासी झारखंड में बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये राज हम लोग बहुत संघर्ष से लिया है और जो हमारी विरासत, हमारी परंपरा को हमारा कुठाराघात करेगा, चाहे हेमंत सोरेन हो चाहे कोई हो, उसके बाद विरोध में हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे। और अपील करना चाहते हैं कि अगला कार्यक्रम हमारा 28 तारीख को है, जो पूरे झारखंड में मानव श्रृंखला के रूप में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी को लेकर आज पुतला दहन करने आए थे। मैं 3.25 करोड़ जनता का जो आहत हो रही है, जो लोगों के प्रति में आक्रोश हो रहा है, ऐसे ही झारखंड हम लोग नहीं लिए थे। कितने माँ बहने की गोद सुनी हुई, कितने बहने विधवा हुई, कितने लोग अनाथ हुए, ऐसे ही हम लोग झारखंड नहीं लिए थे। आज हम लोग झारखंड अलग होने का क्या मतलब है, जब झारखंड का स्थानीय नियोजन नीति नहीं लागू हो रहा, हम लोग को 1932 का खतियान लागू नहीं हो रहा। हमारे झारखंडी जनता के लिए नीति, नियम, कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा झारखंड के लोगों के हित के लिए? मैं कहना चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी से कि आपने पूर्ण बहुमत पर बैठे हैं, हम दलित, आदिवासी, मूलवासी झारखंड के लोगों बहुत बड़ा उम्मीद और विश्वास के साथ आपको बैठा है। आपसे उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि झारखंड हित में नियम और कानून बनाइए और झारखंड को जल्द से बचा लीजिए। जय झारखंड, जय झारखंड। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि अभी आग का ज्वाला जो देखे ये थोड़ा है, पूरे बृहद रूप में पूरे झारखंड में आग लगेगी अगर माननीय मुख्यमंत्री हमारा भाषा के साथ छेड़खानी किया, हमारा संस्कृति के साथ छेड़खानी किया तो पूरे झारखंड में इससे ज़्यादा प्रज्वलित होगा, पूरे झारखंड में आग लगेगी। मैं आज चेतावनी देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अगर वो नहीं सुधरे तो उनको गद्दी छोड़ना होगा। और इसी तरह हर रोज हमारा पूरे झारखंड में इस तरह बृहद रूप से पूरा ज्वलन पैदा होगी अगर माननीय मुख्यमंत्री नहीं माने तो। मैं यह कहूँगा कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी को माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे लोगों को फ्लावर समझ रहे हैं। यहाँ के आदिवासी मूलवासी जिस दिन खड़ा होगा ना तो फायर होगा। आज हम लोग दिखाए यहाँ पे एल्बर्ट एक्का चौक में पुतला दहन का कार्यक्रम करके, ये जो भी सिस्टम जो ला रहे हैं इसको रद्द करें अविलंब, नहीं तो आग लगेगा झारखंड में। देखिए झारखंड का जो इतिहास है ये बलिदान और त्याग का है, संघर्ष का है। हमारा बाप दादा लोग 105 साल संघर्ष किया है, उसके बाद झारखंड अलग हुआ। हमारा
है, माँ भाषा है। हम लोग बाहर से आए हुए तमाम लोगों को जीने खाने के लिए, रहने के लिए हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो भाषा है, जो हम मगही बोलते नहीं हैं, भोजपुरी हम जानते नहीं हैं, अंगिका हम जानते नहीं, पढ़ते नहीं, लिखते नहीं हैं, उस भाषा को ये हेमंत की सरकार जबरदस्ती झारखंडियों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रही है। हम लोग इस मंच के माध्यम से आज उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप अविलंब विशेष सत्र बुलाकर इस भाषा का विवाद को समाप्त कीजिए। अनाथ था झारखंड को जलने से कोई रोक नहीं पाएगा, दूसरा डोमिसाइल होगी। ये हम लोग इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को संदेश देना चाहते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।